लाइफ में अगर आपको पॉजिटिविटी चाहिए और जीवन में वो सब कुछ चाहिए जो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, तो उसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी पड़ेगी। क्योंकि घर अगर किसी वजह से नेगेटिव है और वहाँ पे एनर्जी ठीक नहीं है, तो उससे आपकी भी मनस्थिति खराब होती है और धीरे धीरे आपके वाइब्रेशन खराब होकर आप गलत चीज़ों को आकर्षित करने लगते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर की एनर्जी को पूरी तरह से सकारात्मक बना सकते हो, पॉजिटिव बना सकते हो, रेकी हीलिंग के माध्यम से भी और बिना रेकी सीखे भी कैसे कर सकते हो, ये मैं आज इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू में आपको पूरा मैं क्लास के जरिए बताऊंगा कि कैसे आप अपने घर की एनर्जी को रेकी एंड माइंड पावर से पॉजिटिव बना सकते हैं और उससे आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मैनिफेस्ट होने लगेगा। लेकिन मैं उन लोगों को भी कुछ सिखाना चाहूँगा जो लोग रेकी नहीं जानते, रेकी का शक्तिपात नहीं लिया, फिर भी आप अपने घर को पवित्र बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं और उससे आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर, क्योंकि लास्ट में मैं नॉन रेकी पर्सन के लिए ये टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे आप एक्चुअली अपने घर को पूरी तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं। हेलो, मेरा नाम पूरन शर्मा है, मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ और मैं होलिस्टिक कोच के रूप में लोगों को यह सिखाता हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से होलिस्टिक बना सकते हैं, फिजिकली मेंटली इमोशनली बैलेंस करके स्पिरिचुअली हाई हो सकते हैं और कल जाके आप फाइनेंशियली फ्री भी हो सकते हैं। तो उसकी शुरुआत हम सबसे पहले घर से ही करेंगे, क्योंकि घर में ही हम ज़्यादातर समय बिताते हैं, वहीं हम रहते हैं, वहीं हम खाते पीते हैं। तो इसीलिए घर को पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। और ये जो पर्टिकुलर क्लास है, एक रिकॉर्डिंग है जो मैं हर हफ्ते अपने स्टूडेंट्स के लिए क्लास लेता हूँ, वहाँ पर मैंने अपने रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट को सिखाया है कि कैसे आप अपने घर को पॉजिटिव बना सकते हो। तो पहले इसे देखिए, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि नॉन रेकी पर्सन भी कैसे अपने घर को पूरी तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चले पहले इस क्लास को देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। थैंक यू। हाउ टू हील योर होम विद RMP, मतलब रेकी एंड माइंड पावर एंड वैदिक साइंस। सो दोनों वे में बताऊंगा, हीलिंग के तौर पे भी और नॉन रेकी पर्सन के लिए भी। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपने रेकी एंड माइंड पावर सीखा है, जो मैं सिखाता हूँ, अगर आप वो कर रहे हो, तो सबसे पहले हम रेकी प्रिंसिपल्स दोहराते हैं, उसे याद रखते हैं, राइट। रेकी प्रिंसिपल्स एक ऐसा हथियार, एक ऐसा टूल है जो आपकी एनर्जी को चेंज करने लगता है। जब आप बोलते हो कि सिर्फ आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा और मैं सामने वाले को माफ कर दूंगा, ये बहुत बड़ी डिक्लेरेशन है, लेकिन हम ऐसा करते हैं। और हम ऐसा नहीं बोलते कि ये पूरे साल के लिए ऐसा करना है, 10 साल के लिए ऐसा करना है, नहीं, हम बोलते हैं सिर्फ आज के लिए। सिर्फ आज के लिए जब हम ऐसा प्रण करते हैं, ऐसा हम बात करते हैं, तो एक दिन उसे निभाना आसान होता है, राइट। ऐसे करके हम रेकी में प्रैक्टिस करते हैं, तो एक ही दिन का लेके चलेंगे, हम पूरी जिंदगी का ठेका नहीं ले सकते, जो पूरी जिंदगी पता नहीं क्या होगा। एक दिन कर लो, डे एक एक दिन के हिसाब से करेंगे। तो सुबह उठते ही बोला कि आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा आया भी तो उसे कंट्रोल करूंगा, रिएक्ट नहीं करूंगा, रेस्पॉन्ड करूंगा और मैं सामने वाले को माफ कर दूंगा, इमीडिएटली कुछ बोलूंगा नहीं, ठीक है। ऐसा करने से पहला प्रिंसिपल हमारा, हमें शांत करने के लिए, हमारा गुस्सा शांत करने के लिए हो गया, राइट। और आपके रिलेशनशिप बेटर हो जाएंगे, झगड़ा ही नहीं होगा जब आप इमीडिएट रिएक्ट नहीं करोगे। फिर दूसरा प्रिंसिपल होता है कि सिर्फ आज के लिए ही मैं चिंता नहीं करूंगा। आप चिंता जो होता है दो जगहों से आती है, एक पास्ट से, एक फ्यूचर से। प्रेजेंट में कोई चिंता नहीं, प्रेजेंट ठीक चल रहा है, लेकिन आपका काम है कि आपको प्रेजेंट में रह के काम करना है। तो आपने बोलना है कि सिर्फ आज के लिए मैं कोशिश करके प्रेजेंट में रहूंगा, ना पास्ट में ना फ्यूचर में, प्रेजेंट में रहूंगा, जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा, बोलते रहना है, फिर उसको प्रैक्टिस में लाना है। जब महीने से लेकर 3 महीने तक जब लगातार मेरे सिस्टम में काम करोगे तो आपकी आदत बन जाती है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आदत बन चुकी है। कितने लोग बताते हैं कि आदत बन चुकी है, बोले तो यस इन द चैट बॉक्स, जिनका गुस्सा एक्चुअली कंट्रोल होने लगा है, जो लोग माफ कर पा रहे हैं और जो लोग प्रेजेंट में रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, टाइप कीजिएगा यस इन द चैट बॉक्स, राइट। उसके बाद तीसरा सिद्धांत है यहाँ पे कि सिर्फ आज के लिए मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। अब जो भी काम कर रहे हो, ईमानदारी से मतलब दिल से करना है, पैशनेटली करना है, जैसे कि मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप भी करें, जो भी करें दिल से करें, ठीक है, और उसी काम पर ध्यान दें।
चौथा जो है, आप हर किसी के साथ में बोलिए कि मैं सिर्फ आज के लिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, सबको सबको यू नो काइंड ऑफ अ पॉजिटिव रखूंगा, किसी को दुखी नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा, काइंड ऑफ राइट। तो ये आपका चौथा संकल्प होगा। और पांचवा संकल्प है, फाइव फिफ्थ प्रिंसिपल इज द ब्यूटिफुल वन, और सभी लोग करते भी होंगे, नहीं किया तो करना है। सिर्फ आज के लिए मैं अपने जीवन में होने वाले जो कुछ भी भगवान ने ऊपर वाले ने मुझे दिया उसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा, आई विल बी थैंकफुल। ठीक है। सो ये जो पांच प्रिंसिपल से जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा ही भाव होगा, अच्छा भाव होगा तो आपकी एनर्जी चेंज होगी। जब आपको गुस्सा नहीं आएगा, चिंता नहीं कर रहे हो और आप पॉजिटिव रह के काम कर रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो, तो एनर्जी थोड़ी खराब होगी, आप तो थैंक यू बोल रहे हो, अच्छी चीज ये है, ये भी है, वो भी है, वो भी दिया है। तो ऐसे करने से हम धीरे धीरे एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। सो आरएमपी प्रैक्टिस करना, जो कि मैं इजीली करवाता हूँ, 30 सेकंड लगेंगे सुबह सुबह बोलने में, और दिन भर उसे अप्लाई करना है। किया तो अच्छी बात है, धीरे धीरे अच्छे से कर पाओगे, जैसे बहुत सारे लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू बोलना है, मैं तो पांच चीजों के लिए डेली थैंक यू लिखवाता हूँ, आप तो होमवर्क भेजते हो मुझे, है ना। तो एक तो ये हो गया कि आप अपनी एनर्जी को चेंज करो। जैसे आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपका घर का एनर्जी भी चेंज होगा, क्योंकि आपका ऑरा चेंज हो रहा है। ठीक है। दूसरा, पानी चार्ज करके पीना। ओके, सुबह सुबह एक बॉटल ले लो, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर का बॉटल ले लो, उसे आप चार्ज करो। ठीक है, पॉजिटिव वे में, जो भी आप चाहते हो, मेरा घर पॉजिटिव है, मेरे घर के लोग सब अच्छे हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोग खुश हैं, सभी लोगों का एनर्जी अच्छा रहता है, सभी लोग अब बहुत अच्छे से रह रहे हैं, घर में सुख है, शांति है, जो भी आप बोलना चाहते हो, समृद्धि है, स्वास्थ्य है, सब कुछ बोलते हुए पानी को चार्ज करो। उस पानी को थोड़ा थोड़ा सा छिड़क भी दो और उस पानी को पी लो। ठीक है, पूरे घर में आप छिड़क सकते हो चार्ज करके, और अपने अपने आप को दे दो, अपने परिवार वालों को दे दो। उससे होगा क्या कि वो पानी अंदर जाएगा, बाहर की एनर्जी चेंज होगी, और सबका एनर्जी जो पॉजिटिव है उससे घर की एनर्जी चेंज होगी। सभी लोगों को समझ में आ रहा है, राइट। हमें घर की एनर्जी चेंज करना है तो पहले यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। फिर आता है सेल्फ हीलिंग, रेकी की सेल्फ हीलिंग 12 मिनट की कम से कम आपको करना है, 12 मिनट्स अ डे। जब आप 12 मिनट की हीलिंग करेंगे तो 12 मिनट में आप 12 पॉइंट्स की हीलिंग कर रहे हैं। एक एक मिनट हीलिंग दिया, 12 पॉइंट्स में आपके 7 चक्र भी आते हैं, सातों चक्र, वाइटल ऑर्गन, सबको आपने हीलिंग दे दिया। तो आपके अंदर की ब्लॉकेजेस दूर हो रही है, जो प्रॉब्लम है, बीमारी, वो ठीक हो रहा है, जो भी कोई दिक्कत हुई है वो रिपेयर हो रहा है। तो ये सब कुछ होने से आप बेटर फील करोगे और आपकी एनर्जी अच्छी होगी, सोच अच्छी हो जाएगी, भाव अच्छे होंगे, फिर आपके घर की एनर्जी चेंज होगी। इज दैट ओके? मैं ये एक साथ मिला के बोल रहा हूँ कि आपकी हीलिंग से ही आपके घर की एनर्जी चेंज हो रही है, और आप जब इस टाइप से सोचोगे कि पूरी घर की एनर्जी चेंज करना है तो कर सकते हो। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका घर बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आज के डेट में भरा रहता है, राइट। जिनका भी घर पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है उसको लिखना है होम, जस्ट स्वीट होम टाइप कीजिएगा इन द चैट बॉक्स। ओके, स्वीट होम HS लिख सकते हैं, राइट। ठीक है। सो आपको क्या करना है, अपने आप की हीलिंग करनी है। जब आप अपनी हीलिंग करेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगा। अब उसके बाद आता है कि कुछ लोगों को हमें माफ भी कर देना है। ठीक है, कई लोग हैं जो आपके साथ बुरा कर चुके हैं, आपको हर्ट कर चुके हैं, आपको धोखा दे चुके हैं, ठीक है, उन्होंने गलत किया, लेकिन आपका काम है उन्हें माफ कर देना। शुरू शुरू में नहीं होगा, धीरे धीरे आप करने लगोगे, क्योंकि माफ नहीं किया तो कोई फायदा नहीं है, उनको अपने अंदर रख के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपको दुख दे रहा है। आपने क्या करना है, छोड़ो यार, माफ करो। ठीक है, और माफ कर दो, सोच के चलो कि वो आपकी जिंदगी में है ही नहीं। जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद क्या करते हैं हम लोग, बोलते हैं तो बहुत अच्छा आदमी था, हम अच्छा ही बोलते हैं ना, मान के चलो कि वो दुनिया में नहीं है, आप माफ कर दो, खत्म करो बात। ठीक है, आप बोलो कि हमने आपको माफ किया और हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 मिनट्स का फॉरगिवनेस करो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए बोलो कि वो मर गए हैं, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको अपने अंदर इस टाइप की फीलिंग रखनी है कि अगर उनसे कोई नाता नहीं रखना है तो आप फॉरगिव कर दो, अगर उनके साथ कोई नाता रखना है तब भी फॉरगिव करो, क्योंकि दोनों केस में अगर आपने माफ नहीं किया तो रिलेशनशिप बेकार की बात है फिर। ठीक है, वो जबरदस्ती का रिलेशनशिप फायदा नहीं है, या तो माफ कर दो, राइट, या तो छोड़ दो। अगर आप साथ में रखना चाहते हो तो माफ कर दो, अगर आपको उन्हें छोड़ना भी है तो माफ करके ही छोड़ दो, बोलो कि नहीं, अब हम आपसे कोई रखना नहीं है, लेकिन हमें माफ कर दो। अगर आपसे गलती हुई है तो माफी मांग लो, अगर उनसे गलती हुई है तो उनको माफ कर दो, लेकिन फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। और फॉरगिवनेस करने से एक्चुअली में आपके रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं। अगर रिलेशनशिप बेटर नहीं हुए तो आपको शांति मिलती है,
किस किस ने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया, टाइप कीजिएगा एफ इन द चैट बॉक्स, और इससे फायदा हुआ है, अगर हुआ है तो टाइप कीजिएगा एफ इन द चैट बॉक्स, राइट। और ऐसा करने से आपका मन पवित्र होता है, आपकी एनर्जी अच्छी होती है, भाव अच्छे होते हैं, और आपका ऑरा पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से आपका घर भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, राइट। एंड देन ग्रैटिट्यूड, डेली 5 मिनट का एक ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। आराम से बैठिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, रात को सोने से पहले एक बार जस्ट सोचिए कि आपका पूरा दिन कैसा बीता। अब सोचिए कि आपके घर में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या आपके घर में है, पानी आता है, बिजली आती है, पंखा है, एसी है, हीटर है, रजाई है, बिस्तर है, छत है, 3 बार खाना भी खाया होगा आपने, घर परिवार में आपके साथ रिलेटिव्स भी होंगे, आपके अपने भी होंगे, तो आप तो बहुत धनी हो। धनी हो उस मामले में क्योंकि आपके जैसे धनी सभी लोग नहीं है, सभी के पास में छत नहीं है, छत है तो पंखे नहीं है, पंखे नहीं है तो कंबल नहीं है, कंबल है तो उनके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, गाड़ी नहीं है, परिवार नहीं है, हस्बैंड है तो वाइफ नहीं है, वाइफ है तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो कोई अपंग है, किसी को और प्रॉब्लम है, लेकिन आपके बच्चे तो ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि आपके घर में क्या क्या अच्छा है, उन सब के लिए ऊपर वाले को थैंक यू बोलो, क्योंकि उसके लिए आपने कहीं पे डिमांड ड्राफ्ट लगा के या फिर रिक्वेस्ट डाल के नहीं मांगा था, वो सब कुछ आपको अपने आप मिला है, कई बार बिना पूछे मिला है, बिना मांगे मिला है, और मिला है तो उसके लिए थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना चाहिए नहीं, राइट। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में हमेशा बात करता हूँ, और ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड अगर आप रखते हो तो आपको कभी भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व होने लगेगा। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड टाइप कीजिएगा AOG। जिन्होंने भी एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड मेरे साथ आरएमपी में प्रैक्टिस किया, अगर उससे आपको लगता है कि लाइफ एक्चुअली हैप्पीनेस से भर गया, तो टाइप कीजिएगा AOG इन द चैट बॉक्स, ओके। AOG ये बहुत जरूरी है, ये मैं सिर्फ मैंने नहीं कहा, ये आपके गीता में भी लिखा है, ये आपके बाइबल में भी लिखा है, ये आपके गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू कहते हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थैंक यू बोलना सीखना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं आपके पास, ठीक है। तो थैंक यू बोल सब, ये जो 5 चीजें जो मैंने 5 आपको एक्टिविटीज बताई जो मैं रेकी एंड माइंड पावर में करवाता ही हूँ, तो जब ये रेगुलर बेसिस पर मेरे गाइडेंस में करेंगे, प्लस और भी कई सारी एक्टिविटीज है, जब उसको करेंगे तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी, राइट। और इस पॉजिटिव एनर्जी से जब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपने परिवार को रेकी चार्ज्ड वाटर दे रहे हो, उनकी भी हीलिंग कर रहे हो, और सभी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं क्योंकि रेकी एक पॉजिटिव एनर्जी है, आपसे एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो घर 100% हील होगा, राइट। इसके अलावा आप घर में चौकुरे से ही की चौकुरे से भी हीलिंग कर सकते हो, जो मैंने पिछली बार भी कहा, ठीक है। आप घर के सेंटर में खड़े होकर चौकुरे बना सकते हो, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेरे पूरे घर को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। आप सेहे की बना सकते हो, सेहे की सेहे की सेहे की, मेरे पूरे घर की एनर्जी को बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, राइट। फिर एक बड़ा सा चौकुरे बना के बोल सकते हो, मेरे पूरे घर को चार्ज करो, चार्ज करो, चार्ज करो। ऐसे कह के जब आप आराम से बैठो, आंख बंद करो, और पूरे घर में व्हाइट कलर की एनर्जी भरते हुए देखो, जस्ट कल्पना करो कि आप जहां खड़े हो वहां से लेकर पूरे घर के कोने कोने में व्हाइट कलर की डिवाइन एनर्जी भर गई है। फिर आप सेहेकी का पिंक कलर को जस्ट इमेजिन करो, कल्पना करो, पिंक कलर की एनर्जी पूरे घर में फैल रही है। फिर उसके बाद एक बार और व्हाइट कलर की एनर्जी का एक पूरा का पूरा पूरा एक बवंडर लेके आए, पूरे घर में जैसे बादल सा छाया हुआ है, व्हाइट कलर की एनर्जी रोशनी छाई हुई है, ऐसा देखो, देखो कि आपका पूरा घर शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, और आपका घर पूरा का पूरा पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है। और अफर्म करें कि मेरा पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है, मेरा पूरा घर सुख शांति स्वास्थ्य और समृद्धि के भाव से भर गया है, मेरे पूरा परिवार सुखी है, खुश है, मेरा घर पवित्र है, मेरा घर एक मंदिर है। आप कुछ भी अच्छा बोल सकते हो, ऐसा करके हीलिंग करो, राइट। आप एक कटोरी एक कलश ले लो, वहां पानी भरो, उसमें भी आप चौकुरे से ही की चौकुरे से चार्ज करो, 2-3 मिनट 5 मिनट अच्छे अच्छे भाव डालो, और उस पानी को छिड़को, स्प्रिंकल करो पूरे घर में, तो फिर नेगेटिव एनर्जी कैसे रहेगी। तो आपने इस तरीके से, जो रेकी जानते हैं, जो मेरे स्टूडेंट है, वो इस तरीके से अपने घर को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे और पावरफुल बनाएंगे। सो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बिना रेकी सीखे भी अपने घर को पूरी तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको टिप्स नंबर 1 दूंगा कि आपको अपने घर को मंदिर जैसा दर्जा देना है। आप ये मान के चलो कि जैसे आप मंदिर जाते हो, तो जिस तरीके से मंदिर के हर एक चीज को पूरी तरह से पवित्र मानते हो, पूजनीय मानते हो,
आप भी मानो कि आपके घर का एक एक चीज़ पूजनीय है, पवित्र है। जैसे वहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, हर चीज़ को छूते हैं, माथे से लगाते हैं, ऐसे ही अपने घर को भी आपने ट्रीट करना है। घर के अंदर आने से पहले जूते चप्पल बाहर ही उतारना है, घर को पवित्र मानना है, मान के चलना है कि आपके ऐसे कुछ भी गलत करने से घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी। और फिर उसके बाद जिस तरीके से मंदिर में जाते हैं तो जैसे हम अपना पूरा सोच विचार बदलते हैं, पवित्र सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, अपना पूरा बॉडी लैंग्वेज चेंज करते हैं, शांत होने की कोशिश करते हैं, वैसे ही आप अपने घर पे क्यों नहीं करते? आप घर में भी सेम चीज़ करें, ऐसे कि आप मंदिर में हो तो आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसे ही व्यवहार करें, पॉजिटिव रहें, शांत रहें, सौम्य रहें, सबके साथ अच्छे से बात करें, धीमी आवाज़ में बात करें, शांति के साथ सुने, शांति से जवाब दें, ऐसा आप घर पे करना शुरू कीजिए तो फिर आपको सचमुच में अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे आपको मंदिर में बहुत शांति महसूस होती है ना, ऐसे ही आपको घर में भी महसूस होने लगेगा। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपना जो ट्रीटमेंट है घर को और आप मंदिर को जैसे अलग अलग मानते हो वैसा ना माने, घर को भी मंदिर जैसा ही दर्जा दें तो घर में भी वैसे ही एनर्जी बनने लगेगी धीरे धीरे। तो एनर्जी क्रिएट करना शुरू कीजिएगा, ठीक है। दूसरा टिप्स है, मान के चलो कि आपके घर में बहुत सारी नेगेटिविटी है, जिससे कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई समस्या है हो रही होगी, तो आपको क्या करना है, अगला तीन दिन लगातार आपने नमक के पानी का पोछा लगाना, एक बाल्टी लीजिए, दो मुट्ठी भर के नमक डाल दीजिए, कोई भी नमक चलेगा, और उसे घोलकर उससे पूरे घर में पोछा लगवाइए। तो उससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिविटी घर के अंदर जमा हो रखी है वो उसे सोखेगा और उससे वो कुछ हद तक हल्का हो जाएगा, कुछ नेगेटिविटी दूर होगी, ठीक है। फिर तीसरा जो आपको काम करना है, अपने घर को थोड़ा हल्का कीजिए। देखिएगा कि घर में बहुत सारी पुरानी चीज़ पड़ी होंगी, भारी चीज़ पड़ी होंगी, अनयूज्ड पड़ी होंगी, उन सबको बाहर निकालिए। बेचना है बेच दीजिए, किसी को देना है दे दीजिए, जो यूज़ नहीं है कई बरसों से वो स्टक कर देता है एनर्जी को वो पूरा रोक के रखता है और उससे फिर नेगेटिव एनर्जी शुरू होती है क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पाता एनर्जी का, राइट। तो सबसे पहले घर को हल्का कीजिए, कुछ शुरुआत करना है तो कपड़ों से कीजिए, फालतू के कपड़े, पुराने कपड़े जो नहीं पहन रहे हैं उसे या तो आप बाहर निकालिए, बेच दीजिए, गरीबों को दीजिए, या बर्तन वाले को दे दीजिए, कहीं पे भी खाली कीजिए। जैसे जैसे आप घर को थोड़ा खाली करेंगे तो एनर्जी के लिए जगह बचेगी और पॉजिटिव एनर्जी फैलने लगेगा। तो ये हुआ कि आप घर को अब दिवाली का इंतजार ना करें, अभी साफ करें, अभी खाली करना शुरू करें, सो दैट एनर्जी मूव होना शुरू हो। उसके बाद जब ये थोड़ा सा आप काम कर चुके होंगे तो फिर आप डेली बेसिस पर आप पानी चार्ज करके अपने घर में छिड़क सकते हो, और उसके लिए कोई रेकी की ज़रूरत नहीं, आपकी संकल्प ही एक शक्ति होगी। उस संकल्प शक्ति से आप अपने पानी को चार्ज करो, एक गिलास ले लो, कटोरा ले लो, पानी भर लो, नॉर्मल पानी, और फिर उसको अपने हाथ में लेकर संकल्प करो कि मेरे पूरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब भाग रही है और सकारात्मक ऊर्जा फैल रही है, पॉजिटिव एनर्जी फैल रही है। ऐसा सोचते हुए पानी को हाथ में रखकर आप आराम से भाव कर सकते हो, सके तो हाथ को ऐसे रखकर बोल सकते हो, भाव करो कि हे दिव्य शक्ति मेरे हाथों से बहो और इस पानी को चार्ज करो, तो वो जो प्राण शक्ति है आपकी वो आपकी पानी में जाने लगेगा और उसमें भी कुछ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। और उस पानी को मिनट दो मिनट लगा के चार्ज कीजिए और उस पानी को अच्छी संकल्प शक्ति और एनर्जी से चार्ज करके पूरे घर में छिड़किए। तो इस पे जो पानी आप पूरे घर में छिड़केंगे, हर घर के कमरे में कोने कोने में जाके छिड़किए, सोच के कि घर की नकारात्मक ऊर्जा जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, ऐसा सोच के पानी को डेली छिड़के, कम से कम दिन में एक बार कीजिए। फिर आप ये देखो कि आपके घर में अच्छी रोशनी आ रही है कि नहीं, सूर्य की रोशनी अंदर पहुंच रही कि नहीं, ये आपने पूरा ध्यान रखना है। खिड़की दरवाजे खोलने हैं, पर्दे लगा रखे हैं तो पर्दे को हटाइए, कोशिश करें दिन में एक बार सूर्य की रोशनी आए, एटलीस्ट बाहर से उजाला आए, ताकि घर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो वो दूर भागे और आपका घर पूरी तरह से पॉजिटिव हो सके। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू।